now I request Honourable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Manpreet Singh Badal as Cabinet Minister of Punjab. Manpreet Singh Badal, मैं मनप्रीत सिंह बादल ईश्वर की सहुं चुका हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा से निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता से खंडता बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब के कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों वफादारी से शुद्ध अंतरकरण निभावांगा अते मैं भय या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान अते कानून के अनुसार विच न्याय करांगा। मैं मनप्रीत सिंह बादल ईश्वर की सहुं चुका हाँ कि जे कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो मेरे विचार अधीन जाता जाएगा या मैनू ज्ञान होगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सिवाय उसे कि यह कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने यह करना लोड़ीदा है मैं सीधे या सीधे तौर पर ना दसागा ना प्रकट करांगा। मनप्रीत बादल ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली है। दस्तखत के लिए वो बैठे हुए हैं। आपको बता दें बठिंडा शहरी क्षेत्र से विधायक हैं मनप्रीत बादल। 2007 से लेकर 2010 तक पंजाब के वित्त मंत्री का कार्यभार भी वो संभाल चुके हैं। 1995 से लेकर अब तक 5 बार विधायक रहे हैं, यानी कि काफी बड़ा उनका कद। कैप्टन सरकार में भी मंत्री रहे हैं मनप्रीत बादल, और यकीनन जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है लगातार वो जीतते रहे हैं। उसी के मद्देनजर चरणजीत सिंह चन्नी ने उन्हें यानी कि 59 साल के मनप्रीत सिंह बादल को अपनी कैबिनेट में जगह दी है। अब इन तमाम चेहरों के सामने यकीनन बड़ी चुनौती रहेगी सरकार को रिपीट करने की। आपको बता दें 1995, 1997, 2002, 2007, 2017 में लगातार वो चुने गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर 2 बार हुए हैं। To come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister of Punjab. Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Tript Rajinder Singh Bajwa as Cabinet Minister of Punjab. Tript Rajinder Bajwa. मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा से निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता से अखंडता बरकरार रखांगा। मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों की वफादारी प्रतिशत अंतरकरण में निभाऊंगा। मुझे भय या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों प्रति श्रद्धा की कानून के अनुसार न्याय कर। मैं तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ईश्वर की सहुं चुका हाँ कि मैं कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो मेरे विचार अधीन किया जाएगा या मैं ज्ञात होगा इस किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सहाय उसे अजिहे कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्य ठीक निभाने अजिहा काम करना हो सीधे या सीधे तौर पर मैं दसागा। सिद्धू समर्थक तृप्त राजेंद्र बाजवा कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। आपको बता दें कैप्टन के खिलाफ जिन लोगों ने सबसे पहले अपनी आवाज उठाई थी उसमें तृप्त राजेंद्र बाजवा, जिनकी उम्र 78 साल है, उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। चौथी बार चुने गए हैं विधायक। कैप्टन सरकार में भी हालांकि वो मंत्री थे, 1992 में पहली बार पंजाब विधानसभा में वो चुनकर गए थे। फतेहगढ़ चूरियन से वो विधायक हैं। पद और गोपनीयता की शपथ तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा की ओर से ली गई है।